आज देश भर में भारत बंद का ऐलान किया गया है। एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बंद की घोषणा की गई। भारत बंद का असर राजस्थान में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसी कड़ी में हम आपको जोधपुर का हाल बताने वाले हैं। हालांकि पहले भारत बंद की वजह समझ लेते हैं। दरअसल भारत में क्रीमी लेयर का मतलब है आर्थिक रूप से संपन्न ओबीसी लोगों की पहचान करना। इनमें उन ओबीसी लोगों को सरकारी आरक्षण और उसके फायदों से बाहर रखा जाता है जिनकी इनकम या संपत्ति एक तय सीमा से ज्यादा है। इसका मोटिव ये है कि रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को मिले जो असल में गरीब और पिछड़े हैं। ऐसे में जो ओबीसी लोग आर्थिक तौर पर मजबूत हैं, उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा। क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया। अब बात जोधपुर की कर लेते हैं। पूरा शहर बंद है, ऐसे में पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की टीम ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं की है। भारत बंद को लेकर जोधपुर में पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बता दें 2000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। इधर स्कूल और कोचिंग सेंटर के साथ शराब की दुकानों को भी पूरे दिन के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 800 जवानों को तैनात किया गया है। शहर के 32 पुलिस थाना क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। इसी कड़ी में डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी और एसएचओ भी एक्शन मोड पर है। पूरे मामले को एडीसीपी मुख्यालय नरपत सिंह खुद लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों की छुट्टी की घोषणा कर दी है। बता दें जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल, कोचिंग संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्रों में छुट्टी का ऐलान किया है। भारत बंद के दौरान जोधपुर में रैलियां, प्रदर्शन होने की संभावना जताई जा रही है। इसी को देखते हुए स्कूल और कोचिंग सेंटर के वाहनों के जाम में फंसने की संभावना के चलते स्कूल में छुट्टी का ऐलान किया गया है। बता दें इस बीच यूनिवर्सिटी में भी आज एग्जाम को कैंसिल किया गया है। आज भारत बंद के चलते रोडवेज बसें और ट्रेनें सामान्य रूप से चलेंगी। जोधपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम विकास किडने ने बताया कि ट्रेनों की सेवाएं आम तौर की तरह जारी रहेंगी। रोडवेज अधिकारियों ने भी कहा कि रोडवेज बसें चलती रहेंगी। हालांकि बता दें कि सिटी बसें और ऑटो रिक्शा दोपहर 2 बजे के बाद ही मिलेंगे। जाते जाते आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन NACDAOR ने मांगों की सूची जारी की है जिसमें SC ST और OBC के लिए न्याय और समानता की मांग शामिल है। लोकल 18 के लिए जोधपुर से कृष्णा कुमार गौर की रिपोर्ट।